शहतूत की खेती के बारे में और इसके लाभ पर विशेष चर्चा करूंगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अविनाश यादव फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं आज आपको शहतूत की खेती के बारे में और इसके लाभ पर विशेष चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, शहतूत एक ऐसा पौधा है जिसको आप कई उद्देश्यों से इसकी खेती कर करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा पौधा है जिसमें इंसेक्ट और जो आपके डिजीज होते हैं ये फैलने के बहुत चांस कम होते हैं। इसमें करते क्या है, इसके लिए सबसे पहले प्लांटिंग की अगर बात की जाए तो खेत के इसको आप मेड़ों पे भी लगा सकते हैं या खेत के बीच में भी लगा सकते हैं या कहीं आपकी खाली जमीन है वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कटिंग तैयार करना होता है। कटिंग के लिए आप इसको लगाइए। कट लेने के बाद कम से कम 3-8 से 10 इंच का वो कट होना चाहिए। उसको ठंडी के महीने में, जब जैसे फरवरी का महीना चल रहा हो, जनवरी फरवरी का, उस समय आपको जो आपका जैसे फील्ड हो वो बढ़िया से मेंटेन किया गया हो और बढ़िया उसमें उसकी प्रिपरेशन अच्छी हुई हो, उसमें ले जाकर के इसकी कटिंग को आप लगाइए। कटिंग लगाने के बाद में फिर आप इसमें इंतजार करिए। धीरे धीरे इसमें बड़ निकलना चालू होंगे, बड़ से प्लांट छोटा छोटा इसमें चालू हो जाएगा। उसके बाद बरसात का महीना आते ही आप इसको वहां से निकाल करके ले जा करके आप मेन फील्ड में इसको रोपाई करिए या मेड़ों पे भी लगा सकते हैं। मेड़ों पे लगाने से आपको ये फायदा होगा कि आपका फेंसिंग का भी काम करेगा, जो जंगली जानवर वगैरह आते हैं उनसे भी ये बचाव करेगा। और एक समझिए, एक प्रकार से एक मेड़ पे लगा करके आप फसल भी उत्पादन ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें, ये फलदार वृक्ष होता है। इसमें फल होते हैं, दो प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। एक इसमें होती है जो व्हाइट कलर का फल आता है, एक होता है ब्लैक कलर का। इसका वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा होता है। तो ये आपको मैदानी भागों से लेकर के पहाड़ी भागों तक पूरे भारत में इसको अच्छे तरीके से खेती की जाती है। इसके लिए आपको जो फल होता है काफ़ी अच्छा होता है, स्वादिष्ट भी होता है, काफ़ी इसमें मिनरल भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरी बात करें, ये अगर जानवरों के लिए चारे का भी काम करता है, क्योंकि सामान्य तौर पर आप देखते होंगे जब गर्मी के महीने में कहीं भी हरा चारा उपलब्ध ना हो, उसमें बकरियां जो होती हैं उनको चारे के लिए आप देखते होंगे इनकी पत्तियों को बहुत चाव से खाते हैं। इनकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिन की नहीं होती हैं, वो न्यूली जो लीव्स होती हैं उनको बकरियां बहुत ही चाव से खाती हैं और उनका भोजन इसके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त होता है। तो भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आप करें तो ये बहुत ही कीमती लकड़ी प्रदान करता है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय की फसल होती है, इसको बहुत ही कम समय में उत्पादन इसका लिया जा सकता है। तो इसको आप उत्पादन करके अगर लकड़ी की आपको पूर्ति करना हो तो बहुत ही कम समय में अधिक लकड़ी का उत्पादन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा, अगर इसे कमर्शियल रूप से देखा जाए, इसका प्रयोग इसका बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा रेशम का कीट, रेशम का कीट जो होता है, रेशम कपड़े बनाए जाते हैं उसका धागा जो बनता है वो रेशम का कीट ही निर्माण करता है, उस धागे से ही रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। तो जो रेशम का कीट होता है उसका पालन इसी की पत्तियों पर किया जाता है। उसके जो होते हैं लार्वे को इस पे छोड़ दिया जाता है और उस लार्वे का ये भोजन का काम करता है। इसका लार्वे इसके भोजन को खा करके अपने जो होता है एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और यहीं पे वो परिवर्तित हो करके उसका कोकून वगैरह बना करके फिर धागे की संरचना का निर्माण करता है। वही धागा आगे चल करके रेशम वस्त्र में या रेशम उद्योग को भी बढ़ावा देता है। तो ये आपके बहुत ही प्रकार से उपयोगी है। अगर बात की जाए आपकी कमर्शियल रूप से भी उपयोगी है, हर प्रकार से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप शहतूत की खेती जरूर करें, शहतूत की खेती कर करके अच्छा उत्पादन लें। ये छोटी सी जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी शहतूत का अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद।